भाजपा प्रणीत मोदी सरकार को 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी व्यापारी आघाड़ी के तत्वावधान से नागपुर स्थित कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। दरअसल इस संवाद सम्मेलन में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं भारतीय बैंक के प्रतिनिधि, साथ ही साथ शहर के व्यापारी और व्यापार करने के इच्छुक लोग भी शामिल थे। इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण के लिए आवेदन करने वाले व्यापार इच्छुक आवेदनकर्ताओं के पत्र बांटे गए। इस समय सभागृह को संबोधित करते हुए गडकरी ने व्यापार के महत्व को समझते हुए कहा कि हमें संपत्ति निर्माता नहीं तो रोजगार निर्माता बनना है। सरकार व्यापारियों के पूर्ण सहयोग करेगी, लेकिन व्यापारियों को भी उतनी ही पूर्ति से काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ हम नागपुर को लॉजिस्टिक कैपिटल बनाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। इस समय नितिन गडकरी ने कोविड की स्थिति को याद करते हुए कोविड काल के दौरान सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी जी, हमारे सीनियर कार्यकर्ता और पूर्व विधायक गिरीश व्यास, ज्येष्ठ कार्यकर्ता धनश्याम कुकरेजा जी, श्री पराग सराफ जी, श्री संतोष सोनी, श्री धीरज दोरे, मोहित गेड़ाम, असीम खान जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, गिरधारी जी ने अभी जो गीत बताया वो शैलेंद्र जी का है और विशेष रूप से मुकेश ने गाया है। उनके गीतों में यह विशेषता थी कि समाज जीवन और मानवीय जीवन की बहुत सी अच्छी अच्छी बातें, फिलोसॉफिकल बातें शैलेंद्र जी ने अपने गीतों में लिखी हैं। राज कपूर जी के वो बहुत एक फेवरेट गीतकार थे, उनके बारे में कहा जाता था कि वो लेफ्टिस्ट विचारों के हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, वो ये गाना उन्हीं का था और उसके पीछे एक भाव था और जो भाव है वो उनके मन में जो था, जो आपके मन में है और जो मेरे मन में है, वो भाव एक ही है और वही भाव को अलग अलग समय में अलग अलग शब्दों में लोग रखते हैं। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।